प्रिय बच्चों, आज का ये वीडियो जो हम लाइट टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हेडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर है। आज हम इस वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा करेंगे। ये मीडियम का कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको निकालते कैसे हैं, ये कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है और ये किन किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, इसी की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली हम पहले से जानते हैं कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है और लाइट की स्पीड सबसे मैक्सिमम वैक्यूम या एयर में होती है। जब कोई लाइट रेबीम ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड सबसे मैक्सिमम यानी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन जब रेबीम ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम के अलावा वाटर में, ग्लास में, ग्लिसरीन में, ऑयल में ट्रेवल करती है तो इन सभी मीडियम में लाइट की स्पीड कम भी होती है एयर के कंपेयर में और अलग अलग भी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो नीचे की तरफ यहाँ एक बोर्ड पर हम नीचे वाटर मीडियम दिखाए हैं और ऊपर एयर मीडियम दिखाए हैं। तो यदि कोई रेबीम ऑफ लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है तो जितनी देर तक लाइट एयर में रहेगी उतने देर तक लाइट की स्पीड ज़्यादा रहेगी, यानी आप जानते हो लगभग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन जो ही रेबीम ऑफ लाइट एयर से वाटर में इंटर करेगी, वाटर में इंटर करते ही लाइट की स्पीड एयर के कंपेयर में कम हो जाएगी। तो जो ही लाइट एयर से वाटर में इंटर की, लाइट की स्पीड कम हो गई। उसी तरह से यदि लाइट को हम वाटर से ग्लास में भेजें तो वाटर में जो लाइट की स्पीड होगी वो ग्लास में नहीं होगी, ग्लास में अलग हो जाएगी, वाटर में अलग हो जाएगी। यदि हम एयर से ग्लास में लाइट को भेजें तो एयर में लाइट की स्पीड कुछ और होगी, ग्लास में लाइट की स्पीड कुछ और होगी। तो सारे मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, लेकिन सबसे मैक्सिमम स्पीड एयर में और वैक्यूम में होती है। और एयर और वैक्यूम के अलावा जब भी किसी मीडियम में लाइट इंटर करेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने बोर्ड पर दिखाया है कि जितने देर तक लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है लाइट की स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ज्यों ही लाइट एयर से वाटर में इंटर की लाइट की स्पीड वाटर में कम हो गई। लाइट की ज्यों ही लाइट वाटर में इंटर की लाइट की स्पीड कम हो गई, तो लाइट की स्पीड का वाटर में इंटर करने के बाद कम होना ये इंडिकेट करता है कि वाटर में लाइट के पाथ में एयर के कंपेयर में ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। यानी ज्यों ही लाइट वाटर में इंटर की, वाटर ने लाइट के पाथ में रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, रुकावट पैदा कर दिया, जिसके कारण लाइट की स्पीड एयर के कंपेयर में वाटर में कम हो गई। उसी तरह से यदि किसी रेबीम ऑफ लाइट को आप एयर से ग्लास में इंटर कराइए तो ज्यों ही लाइट ग्लास में इंटर करेगी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। इसका मतलब कि ज्यों ही लाइट ग्लास में इंटर की, ग्लास ने भी लाइट के पाथ में रेजिस्टेंस क्रिएट किया। उसी तरह से लाइट को यदि एयर या वैक्यूम से आप ऑयल में इंटर कराइए तो ज्यों ही लाइट ऑयल में इंटर करेगी लाइट की स्पीड ऑयल में कम हो जाएगी। इसका मतलब कि ऑयल भी लाइट के पाथ में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, रुकावट क्रिएट कर रहा है। तो एयर या वैक्यूम के अलावा जितने भी ऑप्टिकल मीडियम हैं सारे ऑप्टिकल मीडियम लाइट के पाथ में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। हाँ, ये है कि कोई मीडियम लाइट के पाथ में थोड़ा कम रुकावट पैदा करता है, कोई मीडियम लाइट के पाथ में ज़्यादा रुकावट पैदा करता है, लेकिन जितने भी ऑप्टिकल मीडियम हैं उनमें किसी में भी यदि आप लाइट को इंटर करोगे तो वो मीडियम लाइट के पाथ में रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। ये प्रैक्टिकली भी क्लियर है और आप प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हो, जानते भी हो और ये हर जगह बताया भी गया है। अब कोई मीडियम लाइट के पाथ में एयर के कंपेयर में कितने टाइम्स रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, इस बात की जानकारी हमको फिजिक्स के जिस क्वांटिटी से होती है
जिस नंबर से होती है उसी नंबर को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो नंबर है, वो क्वांटिटी है, वो इंडेक्स है जिससे हमें ये पता चलता है, जिससे हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑप्टिकल मीडियम लाइट के पाथ में एयर के कंपेयर में कितने टाइम्स रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो सीधा सा जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा हो, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आपके सामने आए, तो सीधा सा एक मतलब समझ लीजिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा टर्म है, ऐसा इंडेक्स है, ऐसा अंक है, ऐसी क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि कोई भी ऑप्टिकल मीडियम लाइट के पाथ में एयर के कंपेयर में कितने टाइम्स रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। कोई भी ऑप्टिकल मीडियम लाइट के पाथ में एयर के कंपेयर में कितने गुना रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, इस बात की जानकारी हमको फिजिक्स के जिस क्वांटिटी, जिस इंडेक्स, जिस अंक से होती है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली हम यंग से डिनोट करते हैं, या बहुत सारे लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के दो सिंबल है हमारे पास, एक यंग और एक म्यू, इसमें से किसी से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिखने का जो तरीका है उसको समझ लीजिए और उसका मतलब भी समझ लीजिए। दोनों बात, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखते कैसे हैं ये भी जानना ज़रूरी है, और उस लिखने का मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लिखना हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। सपोज कर लीजिए कि आपको लिखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इतने बड़े सेंटेंस को एक सिंबल के रूप में हमको लिखना हो तो पहले हम म्यू या यंग लिख देंगे। यहाँ हमें लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो हम वाटर का सिंबल डब्ल्यू आगे लिख देंगे और विद रिस्पेक्ट टू एयर तो इसको पीछे लिख देंगे। अब इसे हमें पढ़ना हो तो हम पढ़ लेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। तो यदि ऐसा कहीं भी लिखा हो तो इसको आप पढ़ सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। ऐसे ही यदि कहीं लिखा हो डब्ल्यू म्यू जी 1.2, इसको आप पढ़ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.2। यदि यहाँ लिखा हो L और G इज इक्वल टू 1.3, तो इसको पढ़ा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.3। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का ये तरीका है, और यदि कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से लिखा भी हो तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे ये आपको हमने बताया। एक बार फिर देख लो, जैसे ये लिखा है कि A म्यू W इज इक्वल टू 1.5, तो इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.5। ऐसे लिखा हो तो पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.3। ये तो हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिखें, हाउ वी राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के विद रिस्पेक्ट यदि हमें लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं ये आपको बता दिया। अब इसमें दूसरी चीज़ कि जैसे यदि कहीं ये लिखा हो कि A म्यू W इज इक्वल टू 1.5, तो इसका सामान्य तौर पर इसकी मीनिंग क्या है, सामान्य तौर पर इसको हम क्या समझेंगे, यदि आपसे कहीं कोई चर्चा आए तो इसका मतलब क्या होता है इसको देखिए। जैसे यहाँ लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट एयर से वाटर में इंटर करती है या ट्रेवल करती है, यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट एयर से वाटर में इंटर करती है या ट्रेवल करती है तो वाटर लाइट के पाथ में एयर के कंपेयर में 1.5 टाइम्स रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ये इसका मतलब है। उसी तरह से यदि ये लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ यदि आपको जानना है तो बोल दीजिए कि यहाँ पर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.2,
तो इसका मतलब हुआ कि यदि कोई रेबीम ऑफ लाइट वाटर से ग्लास में इंटर कर रही हो या कोई रेबीम ऑफ लाइट वाटर से ग्लास में इंटर करे तो ग्लास लाइट के पाथ में वाटर के कंपेयर में वन पॉइंट टू टाइम्स रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। यानी लाइट के पाथ में जितना रेजिस्टेंस वाटर क्रिएट करता उससे 1.2 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टेंस ग्लास क्रिएट करेगा, ये इसकी मीनिंग हुई। उसी तरह से यहाँ मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.3। इसका मतलब कि यदि कोई रेबीम ऑफ लाइट ग्लास से लिक्विड में इंटर कर रही है तो लाइट के पाथ में जितना रेजिस्टेंस ग्लास क्रिएट करेगा उसका 1.3 टाइम्स रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा लिक्विड, ये इसकी मीनिंग हो गई। तो इस तरह से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, और यदि कहीं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के विद रिस्पेक्ट लिखा हुआ हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग हम क्या समझेंगे, इसको भी हमने बता दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट देखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और एक को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के विद रिस्पेक्ट निकाला जाए तो उसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपसे मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वाटर का, तो वाटर भी एक ऑप्टिकल मीडियम है, और हम विद रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं ग्लास के, तो ग्लास भी एक ऑप्टिकल मीडियम है। तो जब किसी मीडियम का ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे ऑप्टिकल मीडियम के विद रिस्पेक्ट कभी भी निकाला गया हो तो हम उसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? हमें लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, हम लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा रहा है वाटर का, ये भी एक ऑप्टिकल मीडियम है, और जिसके विद रिस्पेक्ट हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वो भी एक ऑप्टिकल मीडियम है। तो इस तरह से जब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के विद रिस्पेक्ट निकाला जाए तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसी में दूसरा जो हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट निकाला जाए तो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे कहा जाए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखिए, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब हुआ कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट, तो उसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। लेकिन यहाँ पर वैक्यूम सिंबल नहीं लिखा जाएगा, केवल म्यू डब्ल्यू लिखा जाएगा, और इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, या इसे हम पढ़ सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। थैंक यू।